से आप सभी लोग आशा करता हूँ कि सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर है। एक टॉपिक हमसे रिलेटेड है, एक टॉपिक प्लेस्टेशन से रिलेटेड है। वैसे तो दोनों ही प्लेस्टेशन से रिलेटेड है, बट एक टॉपिक हमारे से रिलेटेड है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक ये है कि एक सर्विस आने वाली है स्पार्टकस करके, आई थिंक मार्च अप्रैल तक, जो अकॉर्डिंग टू र्यूमर स्प्रिंग में आनी है बेसिकली, तो आप मार्च के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो बिफोर जून। सो मोस्ट प्रोबेबली मार्च और अप्रैल, और मे बी बाय न्यू फाइनेंशियल ईयर मे बी आ जाए तो ज्यादा, मुझे लग रहा है अप्रैल में ही आएगी। सो उसके अंदर बेसिकली वो गेम पास के वो टक्कर देने के लिए एक सर्विस ला रहे हैं प्ले स्टेशन वाले, उसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, स्पार्टकस। स्पार्टकस को जो अभी तक एज पर र्यूमर ये है कि तीन टीयर में डिवाइड किया जाएगा। पहले टीयर के अंदर आपको गेम्स मिलेंगे जो प्ले स्टेशन प्लस के अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलेंगे। सेकेंड, आपको PS4 और इवेंचुअली PS5 की गेम्स खेलने को मिलेंगी, ये सेकेंड टीयर का ऑप्शन है। थर्ड टीयर का ऑप्शन ये रहेगा जैसे कि आप क्लाउड स्ट्रीमिंग है, जैसे कि PS1, PS2, PS3, PS5 की गेम्स, या ओवरऑल सारी गेम्स कैसे आप PS9 पर खेलते हैं बेसिकली, वो सब आपको खेलने को मिलेगी। तो अभी तक इसमें से कुछ फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, एक र्यूमर है, बट हाँ कुछ दिन पहले हम भी डिस्कस कर रहे थे कि आई थिंक इन दोनों को मिक्स करके कुछ लॉन्च करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि हमारे तुक्के ऐसे लग सकते हैं, बट इसमें कोई बढ़ाई नहीं है मेरी में, हम तो ऐसे ही मजाक में स्ट्रीमिंग में ये सब बातें कर रहे थे कि PS Now इंडिया में पूरी तरह यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हम वीडियो बना चुके हैं और बहुत लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेम PS Plus भी अभी तो फिर महंगा हो गया दोबारा, लेकिन 2000 रुपये भी कई लोगों को महंगा लगता है क्योंकि उसमें गेम्स इतनी अच्छी नहीं आती कि जो मतलब ज्यादा गेम्स नहीं खेलते हैं उनके लिए PS Plus भी बेकार है, जो मल्टीप्लेयर बिल्कुल नहीं खेलते या ऑनलाइन नहीं खेलते, सिर्फ वो ऑफिस से आते हैं या कहीं से आते हैं थोड़ा टाइम पास करना, यू नो, रिलैक्सेशन के लिए गेमिंग करते हैं, सो उनके लिए PS Plus भी मेरे हिसाब से महंगा ही है 3000 रुपये में। बट अगर ये 3000 रुपये साल का या 3 या 4000 रुपये साल का, 700-800 रुपये महीना जैसे कि अगर आपका गेम पास वाले लेते हैं, उतनी ही कॉस्ट के अंदर अगर आपको ये सारा कुछ खेलने को मिल जाए, PS Plus के बेनिफिट्स मिल जाए, यानी कि आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, PlayStation 4 और PlayStation 5 का एक लार्ज कैटलॉग मिल जाए आपको कि हाँ ये सारी गेम्स खेल सकते हो, लेटेस्ट गेम भी मिल जाए जैसे कि गेम पास वाले एक्सबॉक्स वाले लॉन्च कर देते हैं फर्स्ट डे पे ही, जो उनकी कंपनी की बनी हुई गेम्स होती हैं स्पेशली वही आती हैं। एंड उसके बाद आपको PS1, PS2, PS3 और PS5 के जो अमेजिंग गेम्स हैं वो यहाँ सर्वर मिल जाएं और you know, आपको खेलने को मिल जाए, तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं होगी। और डेफिनेटली ये र्यूमर अभी है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ डेफिनेटली कर रहा होगा PlayStation, क्योंकि इट्स रिक्वायर्ड बाय द PlayStation यूजर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी Xbox इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें गेम्स बहुत सस्ती पड़ती हैं। कोशिश हमारे दोस्तों ने भी करी है कि हाँ रेंटिंग पे गेम दी जाए, क्योंकि 4 से 5 हज़ार रुपये की गेम खरीदना इट्स नॉट ए जॉब। आप सारी गेम्स ट्राई करना चाहते हो, आपने 50,000 का कंसोल लिया है, कई लोगों ने स्कैल्पिंग से लिया है तो उनको और महंगा पड़ा है। सो मेरे हिसाब से ये सर्विस आनी ही आनी चाहिए, और विश करते हैं कि जो र्यूमर में लिखा है कि ये स्प्रिंग में आ जाएगी, तो स्प्रिंग आई थिंक अप्रैल मे तक मैक्स आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सो गाइज, ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको समझ नहीं आई है तो यही है कि गेम पास की तरह ही एक सर्विस लाने वाला है स्पार्टकस करके प्लेस्टेशन, जिसके अंदर आपको PS Plus और PS Now की बेसिकली मिक्स वर्जन देखने को मिलेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है पहले। अब बात करते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की। दूसरी न्यूज़ ये है कि कल शायद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको जो फ्रेश टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे मेरी तरफ से, या पुराने भी जो भी होंगे, या उसके अंदर जो भी होगा, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसके अंदर आपको हेल्प मिल जाए कि हाँ आप अपना कंसोल कैसे सिक्योर कर सकते हो। अगर नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली फिर 2 PS5 का तो हमने रखा ही है, जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, तो ना उसको वीडियो को मैं डिलीट करूंगा और ना मैं प्राइवेट करूंगा, वो ऐसे ही रहेगी क्योंकि हम उसको सीरियसली ले रहे हैं और हम उसको हर महीने करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जहां तक होगा ही होगा, ये 2 पीस तो होंगे, अगर इससे ज्यादा होंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सबके लिए, बट उसकी गाइडलाइंस डेफिनेटली कल नहीं तो परसों में वीडियो डालूंगा, सॉरी 6 तारीख के बाद ही वीडियो डालूंगा, क्योंकि एक बार ये स्टॉक चला जाए तो आई थिंक आप लोग भी उसको देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि तभी वो गाइडलाइंस हो सकता है कुछ आइडियाज मेरे को भी मिल जाएं कि इस स्टॉक के अंदर ये कमी रहेगी तो हमें ऐसे पूरा करना चाहिए, तो वो फाइनल वीडियो आपको इस स्टॉक के जस्ट बाद मिल जाएगी, और उसके अंदर ही गिव अवे की जो डेट है वो भी अनाउंस हो जाएगी, और जो भी गाइडलाइंस होंगी उसके अंदर सब कुछ होगा। सो आई होप मेरे ये पॉइंट्स क्लियर होंगे स्पार्टकस को लेकर, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स के बहुत सारे कल DM आए तो मेरे को लगता है कि हाँ मुझे एक वीडियो बना देनी चाहिए, फ्रेश वीडियो विद फ्रेश लिंक्स। सो गाइज, उसके अंदर हम एफिलिएट लिंक्स भी डालेंगे, तो अगर हो सके तो प्लीज़ आप उनसे ले लीजिएगा, आपका कोई प्राइस पे दिक्कत नहीं होगी, कोई टैक्सेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, बट डेफिनेटली इस चैनल को हेल्प होगी, तो इनडायरेक्टली हम डोनेट जो करते हैं मनी वो कर सकेंगे, प्लस इस चैनल के ऊपर जो टूर्नामेंट्स हमने रोक दिए हैं क्योंकि अभी सब बच्चे बिजी हैं, तो हम वो टूर्नामेंट्स भी करा सकेंगे।
सो थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए और बेस्ट ऑफ लक अगेन टू ऑल ऑफ देम दोज हू रियली वांट टू सिक्योर देयर PS5 ऑन 6 दिसंबर माय विशेस आर देयर एंड यू कैन चेक आउट द बैन कंसोल गेमर एंड द ब्रो स्टेशन ऑन दैट डे दे विल डेफिनेटली डू द लाइव स्ट्रीमिंग दे आर अमेजिंग गाइस दोज आर पुटिंग 3 घंटे बैठ के यार स्ट्रीम करना और ये बताना कि कहाँ पे स्टोगारा कर यार इट्स नॉट ए जोक सो प्लीज जाइए उनको भी सपोर्ट कीजिए उनकी वीडियो भी देखिए उन्होंने बोट्स की वीडियो है मैं उसको भी शेयर करूंगा शायद अपने कम्युनिटी टैब के अंदर मैंने परमिशन ले ली उनसे एंड थैंकफुल टू देम कुछ भाई ने कभी आज तक मना नहीं करा सो भाई मैं उसको भी शेयर करूंगा तो आप लोगों के लिए जिस तरह भी हेल्प हो इट्स नॉट अबाउट मेरा चैनल या उनका चैनल आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए जो कि आपके काम आ सके सो मिलते हैं गाइस स्ट्रीम के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप प्लीज स्ट्रीम को ज्वाइन कीजिएगा और हमसे पूछ सकते हैं पूरी कोशिश रहेगी आंसर देने की और हाँ एक चीज और छोटी सी चार्जिंग डॉक की इन्फॉर्मेशन मैं अभी कंफर्म करने में लगा हूँ जैसे ही मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो या उसकी छोटी सी एक अपडेट आप लोगों के लिए डेफिनेटली डालूंगा थैंक यू वेरी मच टेक केयर लव यू ऑल